पोलियो। अरे और की तो टेस्टी था, टेस्टी बहुत ज्यादा। मम्मा अच्छा बनाती है, छोटी माँ? छोटी माँ। अभी दिन में तो मम्मा को बोल रहे थे। मम्मा तो कुछ नहीं बनाती, छोटी माँ अच्छी होती है। हाँ कपड़ों को लगा दिया है, सूखे का कपड़ा, और मौसम कुछ ऐसा है, धूप भी है और हवा भी चल रही है। उधर देखिए साफ सफाई हो रही है पार्क में, और अभी वहाँ तो बच्चों का अलाव ही नहीं होगा क्योंकि वहाँ सब पानी भरा हुआ है। और बस कपड़े वपड़े डाल करके मुझे फाइल लिखनी है, अब चल रहा है, फाइल लिखेंगे और हो गया। और आज ये देखिए मैंने मेकअप का जो इसे क्या बोलेंगे, फोम बोलेंगे, स्पंज क्या बोलते हैं मेकअप में जो फाउंडेशन लगाने के लिए होता है ना, ज़्यादा गंदा हो गया था, इसको मैंने धुला है गर्म पानी और लिक्विड में। कपड़ों को फैला दिया है, पिन लगा दिया वरना तो उड़ जाएंगे नीचे। इधर भी लगा देती हूँ, इधर भी लगा देती हूँ, इनमें भी है ना। इसको रख देती हूँ पहले, फिर लगा देती हूँ। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, कैसे हैं आप? अभी बस हम जस्ट अभी नहा वहा के इसके बाद थोड़ा सा नीचे वॉक करने गए थे, वॉक इन द सेंस बस घूमने। और आज बन रहा है घर में छोले भटूरे जो कि मम्मी बना रही हैं। तो और अभी हम थोड़ा सा अपने रूम में बैठे हैं क्योंकि मुझे अभी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है और जल्दी ही कंप्लीट करके देना है क्योंकि अभी हम सुल्तानपुर जाने वाले, मेरा एग्ज़ाम है तो फाइल बनानी है। और विहान ने कल बहुत हेल्प करी है, जैसा कि आपको हम दिखाते हैं। सिलेबस है और टॉपिक है इसमें सब्जेक्ट का, और ये पेजेस हैं, मुझे इन सारे पेजेस पे अभी लिखना है, फाइल को बनाना है। और ये मेरी फेवरेट पेन जिससे बहुत अच्छी राइटिंग बनती है, और ये स्केल से मैंने खींचना है। अभी मन नहीं कर रहा, अभी बनाएंगे। जो फाइल का जो फ्रंट पेज है वो यान बना देंगे मेरा, मतलब कल हम लोग ने लैपटॉप में बना लिया, बस उसका प्रिंट निकलवाना है और बस। और अभी छोला भटूरा खाएंगे, अभी तो पेट एकदम फुल है क्योंकि हमने क्रिस्पी वाले पराठे बनाए थे और ऑमलेट बनाया था, ऑमलेट वगैरह खा लिया है। इसके बाद हम बैठे हुए हैं थोड़ा सा अपने कोजी से बेड पे, सकते हैं हम अपने कोजी से बेड पे बैठे हैं। और ये मेरा क्यूट सा प्लांट, और उधर बैनी ने खूब ड्राइंग कर रखी है। हाँ, और बोरिंग लग रहा है, बोरिंग क्या, ठीक है अभी तो बैनी आने वाला आधे घंटे बाद, और जब व्यान रहता है तो मजा आती है मुझे। और कल रात में हम लोग ने रैप खाया था, व्यान ने बनाया था रैप, और अब तो व्यान की तबीयत ठीक है, दांत की प्रॉब्लम थी और अब एकदम परफेक्ट है, थैंक्स टू गॉड। और ये मेरा फेवरेट हाजमोला जो कि हमेशा बेड के पास रहता है, जब मन करता है तब उठाओ और खा। और ये जो आप देख रहे हो ये व्यान मुझे हटाने नहीं देता है, कहता है व्यान ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मत हटाओ। हम सोच रहे हैं अब कि सुल्तानपुर जाएंगे तो कुछ दूसरा लेंगे या फिर मतलब कुछ चेंज करेंगे बैकग्राउंड। हम सोच रहे हैं कि हम लोग अपनी शादी की फ़ोटो फ्रेम बहुत बड़ा सा बनवाएं अपने बेड के पीछे लगाने के लिए, और कुछ ऐसा सोच रही है क्योंकि मुझे पसंद है मेरे बेड के पीछे हम, मेरा विहान, मेरी फ़ोटो रहे ना। और बस अभी जब छोला भटूरा बनेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
इधर है गर्मा गर्म छोले। लेते हैं थोड़ा सा आटा डाल के। अभी नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, जब ये ऊपर आ जाएगा तब हो जाएगा। चूरा जो है वो बन रहा है, मम्मी बना रही हैं और हम खाएंगे। फिर आप देखिएगा और हम खाएंगे। जैसे दो मिनट थोड़ी देर लिख लिए ना आंख जैसे वो लग रहा है। तो ये है भटूरा एक। अरे मम्मी बड़ा सॉफ्ट बना। देखिए मेरा भटूरा बन के रेडी हो चुका है, फूले फूले मुलायम, जैसे कि हम लोग मार्केट में। अरे मम्मी सही में मुलायम, देखिए कितना मुलायम है, देखिए सॉफ्टनेस, देखिए ये देखिए सॉफ्टनेस। अगर आपको इसकी रेसिपी जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम आपको बताएंगे। और अब इसको खा के बताते हैं हम। बहुत सॉफ्ट है मम्मी। बहुत सॉफ्ट बना है, मतलब सही में, मतलब आप ये देखिए अंदर से, बकायदा अंदर से देखिए कितनी जाली बनी है ना। जैसे बहुत सॉफ्ट हो रहा है, ऐसे तो वहाँ भी मिलते हैं। हम लोग होटल वगैरह में जाते हैं, इतने महंगे महंगे खाते हैं, इससे अच्छा घर में बना सकते हैं ना। 100 रुपए का दो मिलेगा और 100 रुपए में सारा घर खा लेगा। हमने बहुत बार कोशिश करी, मेरा इतना सॉफ्ट नहीं है।